हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के थार नगरी बाड़मेर में बहने लगे रेत के झरने तपते थार में जून में दिखेगा नजारा। बाड़मेर थार नगरी, थार का रेगिस्तान पर्यटकों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। सर्दी हो या गर्मी, थार के डेजर्ट में ऐसा बहुत होता है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी यहां आते हैं। गर्मी के सीजन में जब रेगिस्तान का पारा 50 डिग्री के करीब पहुँच रहा है, तब यहां के रेत के झरने बहने लगे हैं। बाड़मेर के महाबार के धारों को इस नज़ारे को देखने का इंतजार सभी को रहता है। इस वर्ष इनकी शुरुआत अप्रैल में ही हो गई है क्योंकि तापमान तेजी से बढ़ा है। रेत के झरने बहने का सिलसिला जून तक रहने की उम्मीद है। गर्मी के दिनों में चलने वाली तेज हवाओं के कारण यहाँ रेत के झरने देखने को मिलते हैं। जब हवा की स्पीड करीब 30 से 40 किलोमीटर की होती है, हवा के साथ धोरों के ऊपर से मिट्टी खिसकने लगती है। हवा के दबाव के चलते मिट्टी झरने का रूप ले लेती है। प्रचंड गर्मी में रेत के इन झरनों को दूर से देखने पर लगता है कि मानो पानी का झरना बह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अप्रैल व मई के माह में रेत आंधी की वजह से घरों में रेत की परत जम रही है। इस वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण बाकर सिंह बताते हैं कि तेज गर्मी और लू चल रही है। तेज धूप और हवा के साथ धोरों से रुक रुक कर रेत के झरने शुरू होते हैं। तेज हवा के साथ रेत के टीलों से धीरे धीरे रेत गिरती है। ऐसा लगता है कि मखमली रेत का झरना चल रहा है। बाड़मेर के भूगोल असिस्टेंट प्रोफेसर बंसत लाल जांगिड़ ने बताया कि गर्मी के समय में अन्य क्षेत्रों से आने वाली हवा की वजह से रेत के टीलों का मार्च होता है। इस कारण रेत के टीले के ऊपर रेत खिसकती जाती है, वो झरने का रूप ले लेती है। रेत के टीले का नीचे का हिस्सा कठोर होता है, ऊपरी सतह लूज होती है जो हवा के साथ खिसकती है और नीचे की तरफ गिर जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक बाड़मेर में रेत के टीलों से लूज सैंड पार्टिकल स्पीड से ऊपर उठते हैं। कुछ पार्टिकल में भार ज्यादा होने के चलते वे दूसरे से टकराकर नीचे की तरफ गिरते हैं। इन रेत के कणों को साइज थोड़ी बड़ी होती है और भार भी ज्यादा होता है, इस कारण यह आपस में टकराकर नीचे की तरफ गिरते हैं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।